हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लव। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है फेमस रोमांटिक पोएट विलियम ब्लेक की पोयम द टाइगर के बारे में। ये पोयम उनकी 26 पोएम्स की कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में 1794 में पब्लिश हुई थी। इस पोयम में बहुत से सवाल हैं जो गॉड और उनके बनाए हुए जीवों से जुड़ी हुई हैं। ये पोयम मेनली टाइगर यानी बाघ के बारे में है। टाइगर जो है वो उस समय में डर या बुराई का प्रतीक माना जाता था। तो पूरी पोयम में पोएट बस यही क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर गॉड ने उसे बनाया ही क्यों। ये पोयम 24 लाइंस की है जो 6 क्वाट्रेंस में डिवाइडेड है। इस पोयम की राइमिंग स्कीम है AABB जो हर क्वाट्रेन के लिए सेम है। फ्रेंड्स, ये पोएम बहुत ही सिंपल है बट इसकी बहुत अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम पोएट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। विलियम ब्लेक का जन्म 28 नवंबर 1757 में हुआ था और उनकी डेथ 12 अगस्त 1827 में हुई थी। वो रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोएट्स में गिने जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में बहुत सी पोएम्स लिखी हैं बट उनकी सबसे फेमस पोएम्स हैं उनकी कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस। उसके अलावा उनके वर्क्स में द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल एंड द 4 ज़ोआज भी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। यहाँ जो स्पीकर है वो टाइगर यानी बाघ से बात कर रहा है और उसे क्या कह रहा है कि वो जो टाइगर है वो रात के अंधेरे में एक रोशनी की चमक की तरह नज़र आता है। वट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। और यहाँ स्पीकर जो है वो एक सवाल कर रहा है क्या कि कौन सा वो अमर जीव है जिसने तुम्हारी इस खूबसूरती को बनाया है और वो भी इतनी बारीकी से। इमॉर्टल का मतलब फ्रेंड्स अमर होता है, जो कभी मरे नहीं। इन वट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज। और अब जो स्पीकर है वो आश्चर्य कर रहा है, वो चौंक करके पूछ रहा है कि कौन सी दूर में वो गहराई है या वो आसमान है जहाँ से तुम्हारी ये सुलगती हुई आँखें बनाई गई हैं। ऑन वट विंग्स डेयर ही एस्पायर वट द हैंड डेयर सीज द फायर। यानी क्या जिसने तुम्हें बनाया है उसके पंख थे और किसकी हाथों में इतनी ताकत थी या इतनी हिम्मत थी कि उसने तुम्हें बनाया है। यानी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जो स्पीकर है उसे टाइगर से डर भी लग रहा है मगर वो उसकी खूबसूरती की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट। और वो किसका कंधा होगा या किसकी कला होगी जिसने तुम्हारे इस मजबूत दिल को बनाया होगा। यानी फिर से वही स्पीकर क्वेश्चन कर रहा है कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत है कि उसने टाइगर जैसे क्रिएचर को बनाया है। एंड व्हेन thy हार्ट began टू बीट what ड्रेड हैंड एंड what ड्रेड फीट। और वो हाथ और पैर किसके थे जिसने तुम्हारे दिल की इस धड़कन को शुरू किया मगर फिर भी वो तुमसे डरा नहीं। वट द हैमर वट द चेन इन वट फर्नेस वॉज दाई ब्रेन। अब स्पीकर जो है वो सोच क्या रहा है कि ये जो टाइगर है उसका दिमाग एक भट्टी में बनाया गया है और उसे किसने बनाया है तो एक लोहार ने बनाया है। उसे बनाने के लिए एक हथौड़े का यूज़ किया गया है, चेन का यूज़ किया गया है और तब जा कर के ये जो टाइगर है उसे बनाया गया है। What the anvil, what dead grasp, dare its deadly terrors clasp? किस anvil, anvil यानी निहाई, किस निहाई का इस्तेमाल किया गया है तुम्हें बनाने में और वो बहादुर जीव कौन था जिसने तुम्हें बनाने की हिम्मत दिखाई। यानी स्पीकर टाइगर से सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसा कौन है जो उसके जैसे जीव को बनाने की हिम्मत कर सकता है। When the stars threw down their spears and watered heaven with their tears।
और जब भगवान ने तुम्हें बनाया यानी टाइगर को बनाया तो जितने भी तारे थे उन्होंने क्या किए, अपने हथियार छोड़ दिए, अपने हथियार फेंक दिए और अपने आंसुओं से स्वर्ग को भर दिया। ठीक है, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, यानी क्या वो अपनी इस कला को बनाने के बाद वो क्या मुस्कुराया, क्या वो टाइगर को बनाने के बाद मुस्कुराया। डिड ही हु मेड द लैम मेक दी, क्या जिसने उस छोटे से लैम या उस छोटे से भेड़ को बनाया है उसने ही तुम्हें भी बनाया है। ये जो स्पीकर है वो टाइगर से पूछ रहा है, क्योंकि लैम और टाइगर दोनों बिल्कुल ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। लैम गॉड का और मासूमियत का प्रतीक माना जाता है, जबकि टाइगर जो है वो डर का और बुराई का प्रतीक माना जाता है। तो जिस भगवान ने उस छोटे से भेड़ को बनाया, क्या उसी भगवान ने तुम्हारे जैसे टाइगर को भी बनाया है? टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। और यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट क्वाट्रेन फिर से रिपीट होता है और पोएट फिर से टाइगर से वही पूछ रहा है कि टाइगर क्या तुम वही हो जो रात के अंधेरे में जंगल में एक रोशनी की चमक की तरह नजर आते हो। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। और इस बार पोएट जो है वो ये नहीं सोच रहा है कि टाइगर को किसने बनाया है, बल्कि वो ये सोच रहा है कि ऐसा करने की हिम्मत किसने की। तो फ्रेंड्स ये पूरी पोएम जो है वो टाइगर पे डिवोटेड है। टाइगर जो है वो बुराई का और दुष्टता का सिंबल या प्रतीक माना जाता था, और जो पोएट है उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान जो है वो ऐसी कोई बुरी चीज़ भी बना सकता है। तो इसीलिए वो टाइगर से सवाल कर रहा है कि क्या उसे भगवान ने ही बनाया है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी छोटी सी पोएम, मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।